किशोरी का अपहरण कर कमरे में बंद करने का चार युवकों पर आरोप, दो हिरासत में, दो वर्गों का मामला, तनाव डीआईजी एसपी समेत फोर्स मौके पर। आजमगढ़ के सराय मीर कस्बा में एक किशोरी का अपहरण कर कुछ युवकों ने कमरे में बंद कर दिया। मामला दो वर्गों के होने के चलते तनाव हो गया। हंगामे की सूचना मिलने पर डीआईजी अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य मौके पर पहुंचकर जांच की। अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मौके पर पहुंचकर जांच की, परिजनों को कार्यवाही का भरोसा दिया। मौके पर पीआर फोर्स तैनात कर दी गई है। एसपी ने बताया कि पीड़िता को मुक्त कराकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा परिजनों को तहरीर का भी इंतजार है। बुधवार की सुबह 15 वर्षीय पीड़िता घर से बाजार जा रही थी। मोहल्ले के दूसरे पक्ष के लड़कों ने किशोरी का अपहरण कर कमरे में बंद कर दिया। जानकारी होने पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई, हंगामा होने लगा। बताया जा रहा है कि लड़की जिस घर से बरामद हुई उस घर के लोग दुबई रहते हैं और आरोपी युवक की देखरेख में घर छोड़कर गए हैं। इसके अलावा लड़की और आरोपी के घर के बीच की दूरी भी मात्र 15 से 20 मीटर की है। बताया जा रहा है कि लड़की एक दिन पूर्व से गायब थी और आज सुबह किसी तरीके से लोगों को भनक लगी तो जब दरवाजा खोला गया तो लड़की के मुँह को कपड़े से बांधा गया था। इसके अलावा और भी कई चर्चाएं वहां पर जारी रही। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी, पुलिस टीम गठित कर गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हाँ बस सर, रख रहे हैं एक मिनट खाली। हमको सराय में कस्बे में कुछ मामला लड़की के क्या है? आज सुबह लगभग 8 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि सराय में कस्बे में एक घर के अंदर एक लड़की को बंधक बना के रखा गया है और उसके परिवारजनों के द्वारा उस लड़की को छुड़वाया गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जो लड़की थी, जो परिवारजनों के द्वारा जिसको छुड़वा लिया गया था, उनको मेडिकल के लिए तत्काल भेजा गया। जिला अस्पताल उनको उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, उनके स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। अभी वर्तमान में बिल्कुल ठीक है और इसके साथ साथ मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया है, वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। परिजनों के द्वारा अभी तहरीर दी जा रही है। उनके आरोप लगाया गया है कि मोहल्ले के रहने वाले कुछ लड़के हैं जिनके द्वारा ये घटना की गई है। जो भी परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है उस पर तत्काल FIR पंजीकृत की जाएगी। दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा जो भी अन्य नामजद इनके द्वारा परिवारजनों के द्वारा किए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस करेगी। पूरी घटना की जाँच के लिए SPRA को मौके पर भेजा गया है। उसके साथ साथ वहाँ पर 2 COs की टीम है और 4 थाना प्रभारी है पूरी घटना का खुलासा करने के लिए और जो दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए सभी को निर्देशित कर दिया। सर, दो समुदाय से जुड़ा मामला है, तनाव है वहाँ, कुछ फोर्स एहतियातन वहाँ फोर्स तैनात की गई है। कोई वर्तमान में कोई किसी प्रकार का तनाव मौके पर नहीं है। मेरे द्वारा खुद मौका मुआयना किया गया है। लोकल वहाँ जितने लोग हैं उनसे वार्ता की गई है, वो पुलिस की कार्रवाई से अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है और उसके साथ साथ उनको हमारे द्वारा आश्वस्त भी किया गया है कि जो भी तहरीर दी जाएगी हम मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल और बहुत कठोर कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध करेंगे। तो तनाव क्षेत्र में